सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम अपने हिंदी पाठ्य पुस्तिका मेधा का पाठ 14 पौधा बोला के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको इस कहानी के सार के बारे में बताना चाहूंगी। बेटा, इसमें एक छोटा सा पौधा होता है जो अपनी जीवन रेखा के बारे में चुनमुन से बातें करके बताता है। कहता है कि किस तरह से उसने मालिक आका ने उसे धरती में गाड़ दिया था और बाद में वो अंकुरित होकर एक पौधे के रूप में धरती से बाहर आ गया। तो बच्चों, हम इस पूरे पाठ के माध्यम से वृक्षों के यानी पेड़ों के महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि पेड़ हमारे लिए किस तरह सहायक होते हैं। तो पहली तो सबसे बड़ी बात है कि पेड़ों से हमें खाद्य पदार्थ मिलता है। खाद्य पदार्थ मतलब खाने की चीजें, जैसे फल, सब्जियां, तेल, मसाले, सब हमें बेटा खाने की चीजें पौधों से मिलती है। दूसरी बात, पेड़ हमारी हवा को शुद्ध करते हैं। जो अशुद्ध हवा है उसको खुद अवशोषित करकर हमें शुद्ध हवा प्रदान करते हैं। और वर्षा लाने में भी पेड़ बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि ये वातावरण में नमी बनाए रखते हैं। और मिट्टी के कटाव में या बहुत सारे उपयोगी वस्तुएं हमें पेड़ों से ही मिलती है। तो बच्चों, इस पेड़ के इस पाठ के द्वारा हम पेड़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इस पाठ का पेज नंबर 87 ओपन कर लीजिए और जो जो मैं पंक्ति पढ़ती जा रही हूँ उसको मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए, ठीक है? तो शुरू करें बच्चों, पेज नंबर 87। तो पहली पंक्ति है और आप इसको कंटिन्यूसली मेरे पीछे पीछे बोलते जाएंगे। चुनमुन दादाजी की उंगली पकड़े पार्क की ओर जा रहा था। चुनमुन एक छोटे बच्चे का नाम है और वो अपने दादाजी के साथ सैर करने के लिए पार्क में जाते हैं और दादाजी उसकी उंगली पकड़कर अपने साथ घुमा रहे थे। तो हम कठिन शब्द इसके साथ साथ लिखते जाएंगे बच्चों। तो पहला कठिन शब्द है उंगली, ठीक है? उसके बाद है अगली पंक्ति, दोनों रोज सुबह सैर करने जाते थे। सैर मतलब घूमने जाते थे। दादाजी और उनके पोते चुनमुन दोनों सुबह सुबह पार्क में घूमने जाते थे। तो दूसरा कठिन शब्द है सैर। पार्क में चुनमुन को एक नन्हा पौधा दिखाई दिया। जब वो पार्क में घूम रहे थे तो चुनमुन को एक छोटा सा पौधा दिखाई दिया। नन्हा मतलब छोटा सा, ठीक है? तो अगला कठिन शब्द है हमारा नन्हा। उसे लगा जैसे पौधा अपने पत्ते हिला हिलाकर उसका स्वागत कर रहा है। जब वो उस हवा चलती है तो बच्चों पेड़ ऐसे हिलने लग जाते हैं। और चुनमुन एक छोटा सा बच्चा था तो वो अपनी कल्पना करता है कि जैसे पेड़ हिल हिल कर अपने पत्ते हिलाकर उसे बुला रहा है और स्वागत कर रहा है। उसका स्वागत होता है किसी का आओ भगत करना। कुछ दिन पहले तो तुम यहाँ पर नहीं थे, चुनमुन ने पौधे से कहा। अब चुनमुन उस पौधे की तरफ इशारा करते हुए देखते हुए उससे बातें करता है और कहता है, कुछ दिन पहले तो तुम यहाँ पर नहीं थे। अरे यह क्या, पौधा बोला। हाँ, पहले मैं बीज के अंदर था। अब चुनमुन जिस तरह से उसको देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था तो इस पर पौधा उससे बातें करने लगता है और कहता है, हाँ मैं कुछ दिन पहले धरती के नीचे था। मालिक आका ने मेरे बीज को धरती के अंदर गाड़ दिया था। अब पौधा बताता है कि मेरा एक छोटा सा बीज था जिसे मालिक आका ने धरती के अंदर डाल दिया था और कुछ समय के बाद वो अंकुरित होकर बाहर आने लगा। इस धरती की गोद में मेरा जन्म हुआ। क्योंकि बेटा, जब बीज को हम धरती के नीचे मिट्टी के नीचे दबाते हैं और उसे पानी देते हैं, हवा मिलती है और सूरज की रोशनी मिलती है, तो वो अंकुरित होकर थोड़े ही दिन में बाहर आने लगता है और पौधे का रूप धारण कर लेता है। तो इस तरह से पौधे का जन्म हुआ था। तो अगला कठिन शब्द है जन्म। जन्म मतलब पैदा होना, ठीक है? तुम्हें धरती के अंदर गाड़ दिया और तुम घबराए नहीं, चुनमुन ने पूछा। अब चुनमुन को ये लगा अजीब सा कि धरती के अंदर गाड़ने के बाद भी तुम घबराए नहीं, तो वह अपने प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए पौधे से इस तरह का सवाल
करता है। मैं तो बिल्कुल ही घबरा गया था, पर माली काका मुझे बराबर देखने आते थे और पानी भी देते थे, पौधे ने बताया। अब पौधा उसे क्या कहता है चुनमुन से कि घबरा तो गया था मैं, पर माली काका मुझे हमेशा पानी देने के बहाने मुझे देख जाते थे। यानी केयर यानी देखभाल कौन कर रहा था बेटा? माली काका। फिर क्या हुआ, चुनमुन ने पूछा। अब चुनमुन का अगला प्रश्न आया, फिर क्या हुआ, आप धरती के नीचे थे, बीच से वो बातें कर रहा था। कुछ देर रुककर पौधा फिर बोला, धीरे धीरे मेरे अंदर अंकुर फूटने लगे। अब पौधा अपना पूरा परिवर्तन जो उसके साथ हुआ उसको चुनमुन को समझाने लगा कि जब मैं अंदर था पानी देने के कारण मैं धरती के बाहर अंकुरित होकर आने लगा। तो अगला कठिन शब्द है बच्चों अंकुर। अंकुर के रूप में मैं मिट्टी से बाहर आया, यह देखकर माली बहुत खुश हो गया। अब मुझे हवा और प्रकाश भी मिलने लगा। कहता है जब अंकुरित होता है बीज तो धीरे धीरे वो उसकी जड़ निकलकर उसका तना निकलकर धरती के बाहर आता है और इसे देखकर जो उसको बोने वाला है यानी यहाँ पर माली काका ने बोया इसे बीज को उगाया था तो वो देखकर बहुत खुश हो गए। और बाहर आने के बाद जैसे ही उस पौधे को अंकुरित बीज को जैसे ही प्रकाश और हवा मिली तो वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। इससे धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा और मुझे पत्ते निकलने लगे यानी वो अब विकसित होने लग गया था पौधा। तुम्हारे पत्ते कितने सुंदर हैं, चुनमुन ने प्यार से उसके पत्ते सहलाए। अब वो नया नया पौधा था तो उसकी जो ग्रीन ग्रीन हरे रंग की जो पत्तियां थी वो चुनमुन को मोह रही थी तो वो उसे टच करके यानी उसके पास सहलाकर उसे कहता है कि कितने सुंदर आपके पत्ते हैं। प्रशंसा सुनकर पौधा खुश हो गया। जब उसके उसको प्यार से वो सहला रहा था चुनमुन तो उसको देखकर पौधा भी बहुत खुश हो गया। तो अगला कठिन शब्द क्या है बच्चों? प्रशंसा। फिर अचानक उदास होकर बोला, कुछ बच्चे बहुत ही शरारती होते हैं। अब जैसे उसको पौधे को प्यार मिल रहा था तो वो खुश हो गया, पर उसको अचानक अपनी कोई कहानी याद आई और उसने कहा कि कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं, बच्चों के साथ खेलना मुझे अच्छा लगता है पर जब वे मेरे पत्ते तोड़ते हैं तो मुझे बड़ा दर्द होता है। बेटा जैसे हम लोग इंसान जैसे सांस लेते हैं चलते फिरते हैं और हमारे अंदर जीवन है, ऐसे ही पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, वो भी अपना व्यवहार और अपना हर कुछ प्रदर्शन करकर हमारी तरह ही जीते हैं, हमारी तरह ही सांस लेते हैं। तो जब कोई बच्चा उनके पत्ते तोड़ता है तो उनको दर्द होता है, तो ये कहानी वो अपनी बताता है। लेकिन मैंने तो तुम्हारे पत्ते नहीं तोड़े, तुम मुझसे दोस्ती करोगे, चुनमुन ने कहा। अब चुनमुन धीरे धीरे उस पौधे से दोस्ती करने की सोचता है। कहता है कि मैंने तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, कुछ दिनों में मुझसे फूल और फल भी निकलने लगेंगे, बड़ा होकर मैं पेड़ बन जाऊंगा, पौधे ने कहा। अब पौधा क्या कहता है, हाँ हाँ मैं तुम जैसे अच्छे बच्चे का दोस्त बनूंगा जो सबकी देखभाल करते हैं। और कुछ दिन के बाद जैसे ही मुझे फल और फूल लगने लग जाएंगे तो मैं पेड़ बन जाऊंगा और तुम्हारे साथ मैं बातें करा करूंगा। अचानक चुनमुन को कुछ याद आया, उसने पूछा, तुम्हारे कोई दादाजी नहीं है मेरे दादाजी जैसे? अब चुनमुन को अपनी जिस तरह ही जिस तरह का एहसास वो पौधा दिला रहा था तो उसी तरह से चुनमुन के मन में अगला प्रश्न उठा कि जिस तरह से मेरे दादाजी है क्या तुम्हारे दादाजी है? तो इस बात पर पौधा क्या कहता है, थे मेरे भी दादाजी थे, उनके फल बहुत मीठे थे और उनकी छांव बहुत ठंडी थी। छांव मतलब होता है छाया, जो पेड़ हमें धूप से बचाने के लिए देते हैं। तो पौधा क्या कहता है कि
मेरे दादाजी थे और उनके बहुत उन पर बहुत मीठे फल लगते थे और लोगों को वो बहुत छाया भी देते थे धूप से बचाने के लिए। लोग उनकी छाव में आराम करते थे, पौधा बोला, और उनकी गहरी छाया में, पेड़ की गहरी छाया में लोग आराम करते थे। ये सब कहानी वो अपने दादाजी के बारे में बताता है। अब चुनमुन बोल पड़ा, मैं भी अपने दादाजी की गोद में आराम करता हूँ। अब दोनों आपस में वार्तालाप यानी बातें कर रहे थे तो एक दूसरे की तरह व्यवहार करने पर चुनमुन भी हाँ भरता है, हाँ मैं भी अपने दादाजी की गोद में आराम करता हूँ। और जानते हो, लोग अपनी सांस द्वारा जो अशुद्ध हवा बाहर निकालते हैं उसे वे अपने अंदर ले लेते हैं और उन्हें शुद्ध हवा में बदल देते हैं। अब पौधा क्या बोलता है कि जो इंसान या जानवर अपने अंदर से बाहर जो हवा निकालते, बेटा इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो अशुद्ध हवा है उसको निकालते हैं, तो पेड़ पौधे, जैसा कि मैंने बताया, पेड़ पौधे उस अशुद्ध हवा को अवशोषित कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं और उस हवा को साफ करके वापस वायु के रूप में, हमें शुद्ध वायु में बदल कर दे देते हैं। तो अगला हमारा कठिन शब्द है शुद्ध। शुद्ध हवा को ऑक्सीजन कहते हैं। जो शुद्ध हवा हो जाती है, जो पेड़ों के द्वारा हमें मिलती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, जो पेड़ हम साफ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पर इस तरह से ऑक्सीजन। इसके बिना मनुष्य पल भर भी जीवित नहीं रह सकता, पौधे ने चहकते हुए कहा। पौधा अब ज्यादा उसके साथ, चुनमुन के साथ बातें करकर अपनी पूरी बातें बताने लगा खुश होकर। तो कहता है कि इसी शुद्ध हवा से मनुष्य, मतलब इंसान, हम लोग जीवित नहीं रह पाते, इसलिए हमें शुद्ध हवा से ही हम जीवित रह सकते हैं, ये बताता है। अच्छा, अब तुम्हारे दादाजी कहाँ है, चुनमुन ने पूछा। अब चुनमुन अगला प्रश्न करता है कि अब तुम्हारे दादाजी कहाँ है। एक दिन एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर आया और उन्हें काट दिया। वे बहुत चिल्लाए कि मुझे मत काटो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, पर वह न माना। मेरे दादाजी को तो सबका भला करते थे, फिर उन्हें क्यों मार दिया। पौधा मायूस हो गया। अब पौधा दुखी हो जाता है क्योंकि उसे अपने दादाजी की याद आ जाती है। वो कहता है कि एक दिन एक इंसान आया और उसने कुल्हाड़ी से मेरे दादाजी को काट दिया, और वो तो सबका भला करते थे पर उनको क्यों काटा। इस तरह का प्रश्न वो हम इंसानों से कर रहे हैं बेटा। वो हमसे बातें करते हैं कि हम इतना, पौधे हमारा इतना भला करते हैं, फिर भी हम लोग उनको क्यों काट देते हैं। इस बात को चर्चा करकर पौधा बहुत दुखी हो जाता है। ठीक है, तो अगला हमारा कठिन शब्द है मित्र। चुनमुन ने उसे प्यार से सहलाया और बोला, तुम घबराओ मत, हम अब यह गलती नहीं होने देंगे। हम पेड़ पौधे लगाएंगे और उन्हें कटने भी नहीं देंगे। इस बात पर चुनमुन उसे प्यार से सहलाता है और उसे सांत्वना देकर, तसल्ली देकर कहता है कि तुम अब घबराओ मत, अब हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। हम इंसान लोग पेड़ पौधे नहीं काटेंगे और उन्हें कटने भी नहीं देंगे। यानी बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए क्योंकि ये वातावरण को शुद्ध रखते हैं, और हमें पेड़ों के कटाव में भी, कटाव, पेड़ का जो कटाव कोई करता है तो उसे रोकना चाहिए क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत लाभदायक है। तो बच्चों, अब हम दोबारा से इन कठिन शब्दों को पढ़ लेते हैं। प्रथम है उंगली, दूसरा है सैर, तीसरा है नन्हा, चौथा है स्वागत, पांचवा है जन्म, सिक्स्थ है अंकुर, सातवा है प्रशंसा, आठवा है शुद्ध, और नौवा है ऑक्सीजन, और दसवा है मित्र। तो बच्चों,
आपको मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये पूरी कहानी समझ आई होगी और आप सभी इस पूरे पाठ का दोहरान करेंगे और अच्छे से इसकी रीडिंग करेंगे और सभी कठिन शब्दों को जब मैंने बोर्ड पे लिखे हैं या आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको कठिन शब्द लग रहा है वो अपने किसी बड़े से पूछकर या मुझसे पूछकर आप उन्हें रेखांकित करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तिका में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।